व्यापम घोटाला पहली बार जनता के समक्ष 5 जुलाई 2009 को आया, जब डॉक्टर आनंद राय और उसके बाद सकलेचा जी, चतुर्वेदी जी, प्रशांत जी, इन सब लोगों ने एक के बाद एक इस घोटाले की प्रतें खोली। आज तक लगभग 140 एफआईआर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी हैं, 3,800 आरोपी हैं और संयोग यह है कि इतनी लंबी जांच के बावजूद 800 आरोपी फरार हैं, आज तक पकड़े नहीं गए। 6 जुलाई तक यानी कि आज तक 46 लोगों की जो व्यापम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हैं उनकी संदिग्ध परिस्थिति में, रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई है। इनमें से 2 दिन पहले हमारे एक बहादुर मित्र और खोजी पत्रकार साथी अक्षय भी थे, कल एनजे मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा भी थे, जिन्होंने हाल में ही व्यापम के सारे कागजात, 200 के करीब कागजातों की जांच की थी। और बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज सुबह एक और हमारी बहन अनामिका खुशवाहा, उसका शव सागर मध्य प्रदेश में बरामद हुआ है। इनकी नियुक्ति बतौर इंस्पेक्टर के व्यापम के माध्यम से हुई थी और एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पिछले एक हफ्ते से इस हमारी बहन को लगातार धमकियां मिल रही थी। यकीनन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस, पूछने की आवश्यकता नहीं, इसको भी एक नॉर्मल मौत करार देंगे, जैसे उन्होंने अक्षय और डॉक्टर अरुण शर्मा के बारे में और सकलेचा और 45-46 और मौतों के बारे में कहा है। एक आखिरी तथ्य मैं आपके सामने और रखूंगा। जून 2015 में हम ये जानते हैं कि जबलपुर का हाईकोर्ट का बेंच व्यापम घोटाले की एक एसटीएफ और एसआईटी के माध्यम से जांच कर रहा है, अभी तक परतें खुल नहीं पाई। एसटीएफ के अध्यक्ष जस्टिस चंद्रेश भूषण हैं और चंद्रेश भूषण जी ने खुद जून 2015 में ये माना है, दो बातें कही और मैं वो दोनों उनके बयान पढ़कर आपको बताऊंगा। पहला, उन्होंने कहा कि एसटीएफ के अधिकारियों को व्यापम मामले में खुद की सुरक्षा का डर है, और दूसरा उन्होंने कहा कि एसआईटी जो एसटीएफ के अधीन काम करती है, उन्होंने कहा कि ये रहस्यमयी मौतें एक सुनियोजित षड्यंत्र हो सकते हैं जांच को भटकाने का।